तो गाइज आप देख रहे हैं ARU का स्प्लैश 2 22.5 वाट का 30,000 mAh का पावर बैंक आपके सामने गाइज आ चुका है और बहुत ही ज्यादा अच्छे फीचर्स और बहुत ही ज्यादा कम रेट में आपको ये मिल जाएगा। तो गाइज क्या क्या इसमें फीचर्स हैं और क्या क्या आपको इसमें मिलेगा और कितने का मिलेगा, कहां से मिलेगा, सारा हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस तरह की बेस्ट और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करता रहता हूँ। चलिए गाइज शुरू करते हैं। मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ATR मोबाइल्स। गाइज अगर आप पावर बैंक लेने का सोच रहे हैं तो एक बार रुक जाइएगा, इसको देख लिए और उसके बाद डिसाइड करें कि पावर बैंक ये कैसा है। तो चलिए गाइज मैं आपको पूरी डिटेल में समझा देता हूं कि इस पावर बैंक में क्या आपको फ़ायदा होने वाला और कौन कौन से फ़ोन आप चार्ज कर सकते हैं और प्लस कितने फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, वो पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइज आप देख सकते हैं ये ARU का ब्रांड है, मेड इन इंडिया ब्रांड है, स्प्लैश 2 इस चार्जर है। इसकी बॉक्स के ऊपर जो इसकी आप देख सकते हैं पिक्चर बना रखी है सामने। और गाइज इसका जो मॉडल है AQP3020 मॉडल है इसका। और गाइज आप बिल्कुल पास से देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में बॉक्स के ऊपर भी लिखा है क्विक चार्ज 3.0 विद इंटेलिजेंट पावर डिलीवरी 3.0, यानी कि इंटेलिजेंट चार्जर है। जितनी आपके फोन को पावर चाहिए होगी उतनी ही सप्लाई करेगा, क्योंकि 22.5 वाट का 30,000 mAh का गाइज ये पॉलीमर का पावर बैंक है। तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, प्लीज़ पूरी एंड तक देखते रहें। तो गाइज आप देख सकते हैं 22.5 वॉट यहाँ पे लिख दिया गया है, ARU है, 30,000 mAh का बैटरी बैकअप है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो गाइज देख सकते हैं आपने बॉक्स के ऊपर मेंशन भी कर दिया है कंपनी की कौन कौन से इनपुट्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और आउटपुट कौन से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल कट में शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि आप देख सकते हैं इमेजेस भी बना दी गई डायग्राम्स के हिसाब से। ड्यूल आप लगा सकते हैं इसमें, जो आप सिंपल एंड्रॉयड चार्जर यूज करते हैं बी टाइप और सी टाइप दोनों के साथ आप इसको पावर बैंक को इनपुट चार्ज कर सकते हैं। और आउटपुट के लिए गाइज ये ट्रिपल ड्यूल आउटपुट है इसमें। आप अगर आप सी टाइप के साथ भी चार्ज करना चाहते हैं अपना, अगर एप्पल फोन करना चाहते हैं, एप्पल फोन को 20 वाट का चार्जर चाहिए होता है, तो गाइज ये है 22.5 वाट का पावर बैंक आउटपुट देगा, यानी कि फास्ट चार्ज करेगा। आप इसमें एप्पल का फोन भी अपना चार्ज कर सकते हैं और इसमें आपको ए टाइप USB लगा सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन करने के लिए। अगर आप USB के साथ चार्ज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, नॉर्मल है। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका प्राइस होने वाला। एक बार यहाँ से भी नज़र मार लेते हैं, डिजिटल डिस्प्ले है, आउटपुट इसकी वॉटेज वगैरह हाई स्पीड के साथ गाइज ये चार्ज करेगा। 22.5 वॉट का ये चार्जर है और इंटेलिजेंट PD 3.0 है। अगर आपको फ़ोन में जितनी भी पावर इसको चाहिए होगी फ़ोन को वो उतनी ही सप्लाई करेगा। इंटेलिजेंट ऑटो कट ऑफ हो जाएगा और क्विक चार्जर ऑल USB डिवाइसेस, अगर आप कोई भी USB डिवाइसेस के साथ लगाना चाहेंगे तो बिल्कुल लगा सकते हैं। और गाइज ड्यूल इनपुट है Type-C+B, और यानी कि Type-C केबल से भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं और B जो नॉर्मल केबल V8 आती है वो भी आप इससे चार्ज कर सकते हैं। तो गाइज ट्रिपल आउटपुट है, 2 USB चार्ज कर सकते हैं अपने फ़ोन, आप दो एक USB केबल लगा के चार्ज कर सकते हैं, प्लस सी टाइप के साथ भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो ARU का ब्रांड है। तो चलिए फटाफट से अनबॉक्सिंग कर देते हैं और आपका आप देख सकते हैं ये ओपन कर दिया। उसके बाद आपको साथ में USB इनपुट केबल चार्ज करने के लिए साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो यहाँ पे ये पावर बैंक आ गया है। तो गाइज ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा बड़ा और काफ़ी बड़ा साइज में पावर बैंक आपको मिल जाता है। तो देख सकते हैं काफ़ी हैवी भी लग रहा है। तो गाइज यहाँ पे देख ले इसके ऊपर क्या लिख रखा है वो भी हम देख लेते हैं। इसके ऊपर पूरा इसमें चार्ज लिखा है कि आप कितने चार्ज के साथ इसको इनपुट यूज़ कर सकते हैं। 3 एम्पेयर का एडाप्टर यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर 12 वोल्ट का। और गाइज जो आउटपुट है वो DC 5 वोल्ट प्लस 3 एम्पेयर का। और गाइज जो बाकी इसमें दिखा रखा है कि कितने एम्पेयर का है, 3000 mAh का ये पावर बैंक है और 22.5 वॉट का फास्ट चार्जिंग। तो गाइज यहाँ पे मेन चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी इनपुट और आउटपुट्स पूरी दिखा दी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो Out3 है और Out1 है और Out2 और Out4, यानी कि गाइज आप 4 आउटपुट के साथ अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, Output 1, Output 2, Output 3 और Output 4। तो यानी कि यहाँ से आप 4 फोन एक साथ भी लगा सकते हैं और 4 फोन अलग अलग आप चार्ज कर सकते हैं। और प्लस अगर आप इसको गाइज अगर आप चाहते हैं कि सी टाइप के साथ चार्ज करना तो आप वो भी कर सकते हैं।
सी टाइप के साथ भी गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ज कर सकते हैं इन, और V8 के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ से इसका बटन है, यहाँ से ये ऑन हो जाता है। गाइज काफ़ी बड़ा पावर बैंक है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए भी बेनिफिट होगा अगर आप किसी दूर एरिए में जाना चाहते हैं जहाँ पे आप चार्ज नहीं हो सकता फ़ोन, और बार बार फ़ोन को गाइज चार्ज, अगर आप एप्पल फ़ोन लेके जा रहे हैं तो बार बार उसको चार्ज भी करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते रहे हैं। कहीं भी ये शूट कर रहे हैं तो आप किसी हिल्स एरिए में जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये 30,000 mAh का पावर बैंक है। इसके साथ आप टाइप सी केबल भी लगा के आउटपुट कर सकते हैं, तो गाइज बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेट में भी मिल जाता है, और आप देख सकते हैं PD 22.5 वॉट का लिख रखा है डिस्प्ले। यहाँ से आप इसको वन क्लिक करेंगे तो ये ऑन आपको दिखा देगा। डिजिटल मीटर है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 38% इस समय ये पावर बैंक चार्ज है, और गाइज ये इसको आपने काफ़ी देर तक चार्ज भी लगाना पड़ेगा। आई थिंक ये आपको कम से कम भी गाइज आपको 6-7 घंटे तक आप इसको चार्ज करना पड़ेगा। दूंगा वीडियो के साथ पूरे जुड़े रहें और वीडियो को पूरा एंड तक देख लें, ताकि गाइज आप मार्केट में लेने जाओ, अगर आप ऑनलाइन परचेज करो तो आपको आसानी से आपको सारी नॉलेज यहीं मिल जाएगी। लेंथ में काफ़ी छोटा है और थोड़ा हैवी है, अगर 30,000 mAh का पावर बैंक है तो गाइज बहुत ही बड़ा तो ऑब्वियसली होगा ही वो, लेकिन गाइज इसके फ़ायदे ये हैं कि आप इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। और इसका जो वेट है ना गाइज वो 850 ग्राम इसका लगभग वेट है, तो आप पॉकेट में भी इजीली इसको कैरी कर सकते हैं, अगर कहीं पे भी अगर आपने लेके जाना है पॉकेट में भी डाल के, अगर आप कैरी बैग है अगर आपके पास उसमें भी आप इजीली इसको लेके जा सकते हैं। तो गाइज़ इसका जो बेनिफिट है ना वो आपको बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। एक तो गाइज़ ये आपको ऑनलाइन भी अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो आप इसको फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे और किसी भी साइट पे आप परचेज़ कर सकते हैं। मोस्टली ये आउट ऑफ स्टॉक ही ज़्यादातर रहता है, क्योंकि कम रेंज में आपको बहुत ही बढ़िया पावर बैंक मिल जाता है, क्योंकि गाइज इसमें आप एप्पल का फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं और फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन्स भी आप इसमें चार्ज लगा सकते हैं, और सी टाइप केबल से आप कोई भी एप्पल का फ़ोन इजीली फास्ट चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि एप्पल का फ़ोन 20 वॉट का चार्ज सपोर्ट करता है और इसमें 22.5 वॉट का चार्ज है, यानी कि एप्पल का फुल स्पीड में ये चार्ज करेगा। तो गाइज बहुत ही अच्छा पावर बैंक आपके लिए होगा अगर आप स्टडी पर्पज़ के लिए लेने, अगर आपके लॉन्ग टाइम तक जहाँ आप अगर कोई बिजनेस या कुछ भी गेमिंग भी खेलते हैं तो गाइज आपके लिए पावर बैंक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। तो खासकर गाइज ये फ्रेंडली ट्रैवलर फ्रेंडली पावर बैंक है, अगर आप किसी भी दूर कहीं भी जाना चाहें लेके, तो पावर बैंक के साथ बिना आप पावर बैंक के जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फ़ोन के बिना आजकल कोई भी नहीं रह पाता है। और वीडियो शूट करने के लिए रास्ते में अगर आप कहीं पे भी कोई भी हिल स्टेशन की वीडियोज़ कैप्चर करनी है, अगर आप शूट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ये होगा, क्योंकि ये 30,000 mAh का पावर बैंक है गाइज। 30,000 mAh का पावर बैंक बहुत ही ज़्यादा होता है, और ऊपर से गाइज ये क्विक चार्ज भी है, यानी कि फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। तो गाइज़ आप फटाफट से लेके देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे आप नीचे देख सकते हैं ये रेट में मिले आपको मिलेगा, और अमेज़ोन पे भी आप देख सकते हैं। तो फटाफट से जाके गाइज आप विदाउट टाइम वेस्ट करें ये पावर बैंक ले लें। पावर बैंक के बिना गाइज आप बिल्कुल भी नहीं कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसके साथ आपको एक केबल मिल जाती है, ARU का मेड इन इंडिया ब्रांड है, तो आप इसको जाके मार्केट से भी परचेज़ करना चाहें तो आपको मोस्टली ये गाइज 2500-2100 मतलब अलग अलग स्टोर से अलग अलग रेट से आपको मिल जाएगा, जो जेन्युइन रेट होगा। अगर आप किसी स्टोर कीपर को जानते हैं तो आप वहां से जाके ले लें, आपको डिस्काउंट भी हो जाएगा। अगर आप इंस्टेंट अगर कहीं प्लान कर रहे हैं जाने का तो आप जाके मार्केट से लें, अगर आप एडवांस में कहीं प्लानिंग कर रहे हैं जाने की तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप गाइज इसको मार्केट से शॉप से खरीदेंगे तो आप इसको देख परख के खरीद सकते हैं। तो गाइज जितना इसमें रिव्यू था जो था टोटल मैं आपको बता चुका हूँ, क्या इसमें फंक्शंस हैं कैसे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइज। इवन के मैंने भी इसको यूज़ किया है, बहुत ही फास्ट करता है। आईफोन 13 को चार्ज मैंने इसे करा, बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देता है, जितना आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चार्ज करते हैं उससे कई ज़्यादा ही फास्ट चार्ज करता है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, मैं इस तरह की और भी बेस्ट और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग आपके सामने लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गाइज़ जय हिंद जय भारत।